أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم वो खुदा अज़्ज़ोजल बहुत ही बाबरकत है जिसने अपने बंदे पर कुरान नाजिल फरमाया ताकि अहले आलम को हिदायत करे। वही के आसमानों और जमीन की बादशाही उसी की है और जिसने किसी को बेटा नहीं बनाया और जिसका बादशाही में कोई शरीक नहीं और जिसने हर चीज को पैदा किया फिर उसका एक अंदाजा ठहराया। लोगों ने उसके सिवा और माबूद बना लिए हैं जो कोई चीज भी पैदा नहीं कर सकते और खुद पैदा किए गए हैं और न अपने नुकसान और नफे का कुछ इख्तियार रखते हैं और न मरना उनके इख्तियार में है और न जीना और न मरकर उठ खड़े होना। और काफिर कहते हैं कि ये कुरान मन घड़त बातें हैं जो इस मुद्दई रिसालत ने बना ली है और लोगों ने इसमें उसकी मदद की है। ये लोग ऐसा कहने से जुल्म और झूठ पर उतर आए हैं और कहते हैं कि ये पहले लोगों की कहानियां हैं जिनको उसने जमा कर रखा है और वो सुबह शाम उसको पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती हैं कि तो कि इसको उसने उतारा है जो आसमानों और जमीन की पोशीदा बातों को जानता है बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। और कहते हैं ये कैसा पैगंबर है कि खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है, इस पर कोई फरिश्ता क्यों नाजिल नहीं किया गया कि इसके साथ हिदायत करने को रहता। उसकी तरफ आसमान से खजाना उतारा जाता या उसका कोई बाग होता कि उसमें से खाया करता। और जालिम कहते हैं कि तुम तो एक जादू जदा शख्स की पैरवी करते हो। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो तो ये तुम्हारे बारे में किस किस तरह की बातें करते हैं, सो गुमराह हो गए और रास्ता नहीं पा सकते। तो खुदा बहुत बाबरकत है जो अगर चाहे तो तुम्हारे लिए इससे बेहतर चीजें बना दे, यानी बागात जिनके नीचे नहरें बह रही हों, नीज तुम्हारे लिए महल बना दे। बल्कि ये तो कयामत ही को झुटलाते हैं और हमने कयामत के झुटलाने वालों के लिए दोजख तैयार कर रखी है। जिस वक्त वो उनको दूर से देखेगी तो गजबनाक हो रही होगी और ये उसके जोश गजब और चीखने चिल्लाने को सुनेंगे। जब ये दोजख की किसी तंग जगह में जंजीरों में जकड़ कर डाले जाएंगे तो वहां मौत को पुकारेंगे। आज एक ही मौत को न पुकारो, बहुत सी मौतों को पुकारो। पूछो कि ये बेहतर है या बहिश्त जाविदानी जिसका परहेजगारों से वादा है। ये उनके अमलों का बदला और रहने का ठिकाना होगा, वह जो चाहेंगे उनके लिए मयस्सर होगा, हमेशा उसमें रहेंगे। ये वादा खुदा को पूरा करना लाजिम है और इस लायक है कि मांग लिया जाए। जिस दिन खुदा इनको और उनको जिन्हें ये खुदा के सिवा पूजते हैं जमा करेगा तो फरमाएगा, क्या तुमने मेरे इन बंदों को गुमराह किया था या ये खुद गुमराह हो गए थे? वो कहेंगे, तू पाक है, हमें ये बात शायन न थी कि तेरे सिवा औरों को दोस्त बनाते, लेकिन तूने ही उनको और उनके बाप दादा को बरतने को नेमतें दी, यहां तक कि वो तेरी याद को भूल गए और ये हलाक होने वाले लोग थे। तो काफिरों, उन्होंने तो तुमको तुम्हारी बात में झुटला दिया, बस अब तुम अजाब को न फेर सकते हो न किसी से मदद ले सकते हो। और जो शख्स तुम में से जुल्म करेगा हम उसको बड़े अजाब का मजा चखाएंगे। और हमने तुमसे पहले जितने पैगंबर भेजे हैं सब खाना खाते थे और बाजारों में चलते फिरते थे और हमने तुम्हें एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया, क्या तुम सब्र करोगे? और तुम्हारा परवरदिगार तो देखने वाला है। जो लोग हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते कहते हैं कि हम पर फरिश्ते क्यों ना नाजिल किए गए या हम आंख से अपने परवरदिगार को देख लें, ये अपने ख्याल में बड़ाई रखते हैं और इसी बिना पर बड़े सरकश हो रहे हैं। يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہگاروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی اور کہیں گے خدا کرے تم روک لیے اور بند کر دیے جاؤ۔ جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے तो उनको उड़ती खाक कर देंगे। उस दिन अहले जन्नत का ठिकाना भी बेहतर होगा और मकाम इस्तराहत भी खूब होगा। और जिस दिन आसमान अब्र के साथ फट जाएगा और फरिश्ते नाजिल किए जाएंगे, उस दिन सच्ची बादशाही खुदा ही की होगी और वो दिन काफिरों पर सख्त मुश्किल होगा। और जिस दिन नाकिबत अंदेश जालिम अपने हाथ काट काट खाएगा और कहेगा कि ऐ काश मैंने पैगंबर के साथ रास्ता इख्तियार किया होता।
آئے شامت کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا، اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اور اسی طرح ہم نے گناہگاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا، اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اس طرح آہستہ آہستہ اس لیے اتارا گیا کہ اس سے تمہارے دل کو قائم رکھیں، اور اسی واسطے ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہے ہیں۔ اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لاتے ہیں، ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور خوب مشرح جواب بھیج دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنے منہوں کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے، اور وہ رستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنا کر ان کے ساتھ ملا دیا، کہا کہ دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، جب تکذیب پر اڑے رہے تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ اور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا، اور لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، اور ظالموں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد اور سمود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، اور نہ ماننے پر سب کا تہس نہس کر دیا۔ اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح کا مہ برسایا گیا تھا، وہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے، بلکہ ان کو تو مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید ہی نہیں۔ اور یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جس کو خدا نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا اور ان سے پھیر دیتا، اور یہ عنقریب معلوم کر لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے رستے سے کون بھٹکا ہوا ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے؟ تو کیا تم اس پر نگہبان ہو سکتے ہو؟ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو چوپایوں کی طرح کے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ بھلا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح دراز کر کے پھیلا دیتا ہے؟ اور اگر وہ چاہتا تو اس کو بے حرکت ٹھہرا رکھتا، پھر سورج کو اس کا رہنما بنا دیتا ہے، پھر اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام بنایا، اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ٹھہرایا۔ اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت کے مہ کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے پاک اور نتھرا ہوا پانی برساتے ہیں، تب سے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کر دیں، اور پھر ہم اسے بہت سے چوپایوں اور آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں پلاتے ہیں۔ اور ہم نے اس قرآن کی آیتوں کو طرح طرح سے لوگوں میں بیان کیا تاکہ نصیحت پکڑیں، مگر بہت سے لوگوں نے انکار کے سوا قبول نہ کیا۔ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے۔ تم کافروں کا کہا نہ مانو، اور ان سے اس قرآن کے حکم کے مطابق بڑے شد و مد سے لڑو۔ اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، ایک کا پانی شیریں ہے پیاس بجھانے والا، اور دوسرے کا کھاری چھاتی جلانے والا، اور دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط اوٹ بنا دی۔ اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا، پھر اس کو صاحب نسب اور صاحب قرابت دامادی بنایا، اور تمہارا پروردگار ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان۔ اور کافر اپنے پروردگار کی مخالفت میں بڑا زور مارتا ہے۔ اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو صرف خوشی اور عذاب کی خبر سنانے کو بھیجا ہے۔ کہہ دو کہ میں تم سے اس کام کی اجرت نہیں مانگتا، ہاں جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا رستہ اختیار کر لے۔ وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا۔
जिस आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहरा, वो जिसका नाम रहमान यानी बड़ा मेहरबान है, तो उसका हाल किसी बाखबर से दरियाफ्त कर लो। और जब इन कुफार से कहा जाता है कि रहमान को सजदा करो, तो कहते हैं कि रहमान क्या, क्या जिसके लिए तुम हमसे कहते हो हम उसके आगे सजदा करें, और इससे बिदकते हैं। और खुदा बड़ी बरकत वाला है जिसने आसमानों में बुर्ज बनाए और उनमें आफताब का नेहायत रोशन चराग और चमकता हुआ चांद भी बनाया। और वही तो है जिसने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने जाने वाला बनाया। ये बातें उस शख्स के लिए जो गौर करना चाहे या शुक्रगुजारी का इरादा करे, सोचने और समझने की हैं। और खुदा के बंदे तो वो हैं जो जमीन पर आहिस्तगी से चलते हैं, और जब जाहिल लोग उनसे जाहिलाना गुफ्तगु करते हैं तो सलाम कहते हैं। वो जो अपने परवरदिगार के आगे सजदे करके और इज्जो अदब से खड़े रहकर रातें बसर करते हैं, वो जो दुआ मांगते रहते हैं कि ऐ परवरदिगार दोजख के अजाब को हमसे दूर रखियो, कि उसका अजाब बड़ी तकलीफ की चीज है और दोजख ठहरने और रहने की बहुत बुरी जगह है। वो कि जब खर्च करते हैं तो ना बेजा उड़ाते हैं और ना तंगी को काम में लाते हैं, बल्कि एतदाल के साथ ना जरूरत से ज्यादा न कम। वो जो खुदा के साथ किसी और माबूद को नहीं पुकारते, और जिस जानदार को मार डालना खुदा ने हराम किया है उसको कत्ल नहीं करते मगर जायज तरीक यानी शरीयत के हुक्म से, और बदकारी नहीं करते, और जो ये काम करेगा सख्त गुनाह में मुब्तला होगा। कयामत के दिन उसको दूना अजाब होगा और जिल्लत और खारी से हमेशा उसमें रहेगा। जिसने तौबा की और ईमान लाया और अच्छे काम किए, तो ऐसे लोगों के गुनाहों को खुदा नेकियों से बदल देगा, और खुदा तो बख्शने वाला मेहरबान है। और जो तौबा करता और अमल नेक करता है तो बेशक वो खुदा की तरफ रुजू करता है। और वो जो झूठी गवाही नहीं देते, और जब उनको बेहुदा चीजों के पास से गुजरने का इत्तफाक हो तो बुजुर्गाना अंदाज से गुजरते हैं। और वो कि जब उनको परवरदिगार की बातें समझाई जाती हैं तो उन पर अंधे और बहरे होकर नहीं गिरते, बल्कि गौर व फिक्र से सुनते हैं। वो जो खुदा से दुआ मांगते हैं कि ऐ परवरदिगार हमको हमारी बीवियों की तरफ से दिल का चैन और औलाद की तरफ से आंख की ठंडक अता फरमा, और हमें परहेजगारों का इमाम बना। इन सिफात के लोगों को उनके सब्र के बदले ऊंचे ऊंचे महल दिए जाएंगे, और वहां फरिश्ते उनसे दुआ और सलाम के साथ मुलाकात करेंगे। उस वो हमेशा रहेंगे, और वो ठहरने और रहने की बहुत ही उम्दा जगह है। कह दो कि अगर तुम खुदा को नहीं पुकारते तो मेरा परवरदिगार भी तुम्हारी कुछ परवाह नहीं करता। तुमने तकजीब की है सो उसकी सजा तुम्हारे लिए लाजिम होगी।